मैंने देना जी, ये अभी कहा है कि पीटीआई हुकूमत को एक मर्तबा नहीं दो मर्तबा बहुत ही नाकाबिले फरामोश शिकस्त हुई है, और यहाँ पर हुकूमती अराकीन के जो नंबर्स थे वो बावजूद तवील गिनती के पूरे नहीं हुए। दोनों मर्तबा अपोजिशन के अराकीन ने जो मोशन था उसमें उन्हें कामयाबी हासिल हुई है, और हम तो हमें काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है इसके अराकीन असेंबली की कार्रवाई में या दीगर मामलात में दिलचस्पी नहीं ले रहे, और लें भी क्यों, क्योंकि जो लोग अपने अपने हलकों से इलेक्ट होकर आ रहे हैं उनको इनकी नाकस पॉलिसीज को की दिफा का दिफा करना पड़ता है, और अब इनका कोई दिफा नहीं है। महंगाई ले ले, मौशी हालात ले ले, बेरोजगारी ले ले, सिक्योरिटी के मामलात ले ले, किसी तौर इस हुकूमत ने परफॉर्म नहीं किया है। तो जो लोग इलेक्ट होकर आए अब वो भी बेजार हो गए, और आज आपने देखा बेजारी का आलम के लोग यहाँ मौजूद नहीं थे। ज्वाइंट सेशन के बारे में क्या प्लानिंग है कि क्या उस दिन भी अपोजिशन ऐसी कारकर्दगी दिखा रहा है? हम प्लान कर रहे हैं, ज्वाइंट ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं, उस पर हमारी प्लानिंग है। और आपने देखा कि मार्च 2021 में भी सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब बावजूद अपोजिशन के नंबर्स ना होने के भी कामयाब हुए। वो साबिक वजीर आजम हैं, उनका अपना कदकाठ, उनकी अपनी परफॉर्मेंस यकीनन जो है वो काबिल तहसीन रही, उनको लोगों ने सपोर्ट किया, हुकूमती अराकीन ने भी सपोर्ट किया, और वो सेनेटर कामयाब हुए। तो मैं समझती हूँ कि वो जो मार्च का मंजर था इंशाल्लाह ऑपोजिशन की ज्वाइंट स्ट्रेटजी से वो मंजर दोबारा रिपीट हो सकता है। पीटीएल में पीपल्स पार्टी की वापसी के हवाले से कोई आपकी पार्टी के अंदर कोई तजवीज जेरे गौर है? अब तक तो कोई नहीं है, लेकिन हमारा एहतजाज जारी है, क्योंकि एहतजाज जो है वो इस वक्त हर पाकिस्तानी पर, हर सियासी जमात पर फर्ज बनता है जो मुल्क के हालात है। प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन सा नाम सामने आया जो असेंबली जिसको आवाम मुंतखब करेगी?